नमस्ते, मेरा नाम है भूपेश वासु और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नया शो जिसमें हम बेबाक बात करेंगे। हमारे शो का नाम रहेगा बेबाक बात। अब सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि अभी कुछ समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली की सरहद पे बैठे हैं और लगभग 30 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, जबकि वो जो नए कानून लेके आए थे गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है उन कानूनों में है जिससे वो किसान इतने उद्वेलित है, लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार ये सब चीज़ें हो रही हैं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? हमें ये समझना चाहिए कि ये जो आंदोलन होते हैं इस तरीके के, इसके पीछे कुछ वजह होती है जो पॉलिटिकल भी हो सकती है, अपोलिटिकल भी हो सकती है, और कुछ जेन्युइन मुद्दे भी होते हैं। तो हम सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे कि कानून कौन से हैं जिन पे वो बात कर रहे हैं। पहला कानून जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेके आया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सितंबर में लेके आई थी मानसून सत्र के अंदर, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बात की थी फार्मर्स प्रोड्यूस के बारे में। अब देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों का है वो क्या है कि उन्हें उनकी फसलों का सही मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है, और इससे कोई भी डिनाई नहीं कर रहा है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना आम जनता, ना कोई व्यापारी। कोई भी इस चीज से मना नहीं कर सकता कि एक आम किसान है जो अपनी मेहनत इतनी देता है जिससे वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसका उसको उसके उस पर उस उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, और उस उपज का सही नहीं मूल्य सही नहीं मिलने की वजह से ही हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। कई सालों से हो रही है, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, पिछले 30-40 सालों से लगातार हम देखते आ रहे हैं किसानों की हालत लगातार बिगड़ रही है, बट कुछ क्षेत्रों में ये सुधर भी रही है। तो हम दोनों मुद्दों पे बात करेंगे। हम उन मुद्दों पे भी बात करेंगे जिनमें किसानों की हालत सुधर रही है, उन मुद्दों पे भी बात करेंगे जिनमें किसानों की हालत बिगड़ रही है और क्यों बिगड़ रही है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो इसके लिए क्षमा कर चाहता हूँ। अब सबसे पहले हम जिस बिल के बारे में बात करेंगे, जिस पे सबसे ज्यादा हो रहा है कि विरोध हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो एपीएमसी को खत्म कर देगी। पहला जो एक्ट है, तीन एक्ट थे जिन पे बात हो रही थी, पहला जो एक्ट है वो है एपीएमसी के रेस्पेक्ट में। अब एपीएमसी क्या होता है? देखिए, किसान जो होता है वो उपज अपनी पैदा करता है, ठीक है, उपज वो तो पैदा करने के बाद वो एक पर्टिकुलर मंडी में जाके बेचता है जिसको आप बोलते हो एपीएमसी। अगर इसका आप फुल फॉर्म देखिए तो इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, यानी जो किसान प्रोड्यूस करेगा उसको बेचने के लिए एक जगह प्रोवाइड की गई है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। अब वो राज्य सरकार की तरफ से ही प्रोवाइड की जाएगी, ऑब्वियसली हर राज्य सरकार द्वारा हर जिले में या पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे इनकी कृषक होते हैं वहां पे एपीएमसी बनाई जाती है, और उस एपीएमसी के थ्रू ही वो फसल ली जाती है। अब आप एक सोचिए, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हर व्यक्ति को कहीं भी आप कोई भी चीज बेच सकते हैं, कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, कोई भी चीज कहीं भी, आप प्रॉपर्टी को आप कहीं भी बेच सकते हैं। एक पेन जो एक प्रोड्यूस करता है, कोई भी निर्माता, कोई भी मैन्युफैक्चरर, अगर एक पेन भी बनाता है, अगर एक पेंसिल भी बनाता है, अगर वो एक छोटी सी चीज भी बनाता है, सपोज जैसे मुझे कुछ चाहिए, एक फैन चाहिए, तो मुझे क्या करना होता है? सिंपल सा काम है, मुझे एक अमेजोन पे जाना है, फ्लिपकार्ट पे जाना है, और वहां जाके मैं परचेज कर सकता हूँ। बट किसान ऐसा नहीं कर सकता। आप किसान की कोई प्रोड्यूस को इस तरीके से परचेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं परचेज कर सकते? कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है कि जो किसान अपनी फसल का सिर्फ 2 रुपए, 1 या 2 रुपए किलो आलू उसको मिलता है, अगर उसको प्राइस मिल रहा है, और हम उसको 30 रुपए या 40 रुपए में परचेस करते हैं, और वो आत्महत्या करने को मजबूर होता है क्योंकि उसकी वो रेट तक नहीं मिलती जिससे वो उसको एक्चुअली प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि मार्केट जो है वो बंधा हुआ है, और मार्केट बंधा हुआ है, इसको आप क्या कर सकते हैं? क्लोज मार्केट जहां पे भी होते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं? अगर ओपन करते हैं तो हर बार उसका विरोध किया जाता है। हम 1991 का जो एलपीजी एरा था, हम उसको बड़े ही ग्लोरीफाई करते हैं कि उसकी वजह से मार्केट खुला। आज देखिए, जब एलपीजी एरा आया था, जब मार्केट खुला था, तब बहुत से लोगों को ऐसा लगा था कि लोग जो आम जनता है उसके हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। उसके हितों की रक्षा हुई, उसके हितों की रक्षा हुई, न केवल कंज्यूमर्स को फायदा हुआ, ट्रेडर्स को भी फायदा हुआ, इंडस्ट्री बढ़ी। आज हम कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुके हैं, $5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने के कगार पे है। तो हमारी जीडीपी इतनी ग्रोथ हो चुकी है, अब हम ऐसा सुधार कृषि क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकते? आपने सोचा है कभी?
कृषि क्षेत्र को बार 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 ये सब सहना पड़ता है कि वो उसमें कोई सुधार नहीं है, उसमें कोई सुधार नहीं है। पर कोई भी गवर्नमेंट अगर उसमें कुछ सुधार लाना चाहती है तो उसका विरोध किया जाता है। मैं यहाँ बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको पार्टी की पॉलिटिक्स से ऊपर जाके देखना पड़ेगा। हर पार्टी की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हर पार्टी की एक कुछ एजेंडाज होते हैं जिसकी तरह तो चलती है, पर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उस एजेंडा की वजह से हम यानी आम लोग तो भुगत रहे हैं। हमें ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम भी किसान से परचेज कर सकें? कभी आपको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा बाद में कि जो इस एपीएमसी एक्ट के विरोध में है लेकिन उससे किसान को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आज वही किसान कह रहे हैं कि मंडियां बंद नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं कि एपीएमसी एक्ट का जो फर्स्ट एक्ट है जिसके बारे में विरोध चल रहे हैं वो है क्या। हम जो तैयारी करें उनके लिए भी है और जो इसके लिए विषय के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए भी। पहला जो एक्ट है जिसका नाम गवर्नमेंट ने दिया है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, पहला एक्ट है। इसमें अगर आप एक एक वर्ड देखिए, फार्मर्स प्रोड्यूस, फार्मर्स प्रोड्यूस जो कृषक अपनी उत्पादन कर रहा है, जो कोई भी फसल हो सकती है, उसका ट्रेड एंड कॉमर्स, उसका ट्रेड यानी उसका व्यापार और उसका कॉमर्स भी, विपणन भी, इसके साथ उसकी प्रमोशन किस तरीके से वो उसको प्रमोट करता है और किस तरीके से उसको फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो उसको बेच सके, इसके लिए जो एक्ट लाया गया था वही पहला एक्ट। अब इस एक्ट में क्या था कि देखिए, अभी तक एपीएमसी 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 के बारे में बोला जाता है। एपीएमसी क्या था? एपीएमसी क्या था? वो प्रोविजन था कि जब किसान को अपनी फसल का एक पर्टिकुलर रेट नहीं मिल रहा था तो गवर्नमेंट ने उनको साहूकारों के और जो ये बीच के लोग थे जो उनसे फसल बीच में ले लेते थे, उनसे बचने के लिए गवर्नमेंट एक प्रोविजन किया था कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे अपना प्रोड्यूस बेचिए, यहाँ पे आपको सारे लोग होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे और वो आपसे आपको मिलके उसका प्राइस देंगे। इसीलिए था इसमें जो प्राइस होता है वो होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आप जान लीजिए कि सारी फसलों के लिए एमएसपी नहीं होता है, कुछ फसलें हैं जिनके लिए एमएसपी है, कुछ फसलें हैं जिनमें एमएसपी नहीं है। कुछ गवर्नमेंट्स ने ये भी प्रयोग किया है कि एमएसपी जो है वो सभी पे लागू किया जाए या फिर जो पर्टिकुलर 22-23 फसलों को दिया जा रहा है उससे ज्यादा भी दिया जा सके, और एक्चुअल में ऐसा किया जाना चाहिए, बट क्या इससे एक्चुअल में रेट मिलेगी ये डाउटफुल है। तो अब पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। एपीएमसी में क्या था कि आप जो भी प्रोड्यूस करोगे, अब एपीएमसी में क्या है कि जो भी आप प्रोड्यूस करोगे उसको आप सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट में ही बेच सकते हो। फर्स्ट जो प्रोड्यूसर बेचेगा वो उस एपीएमसी में ही बेचेगा, उस मंडी में ही बेचेगा, उसके अलावा वो कहीं नहीं बेच सकता। तो इससे क्या हुआ, देखिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि इसके अंदर जो प्रोसेस था वो क्या था, एक ऑक्शन प्रोसेस था। ऑक्शन प्रोसेस था जिसमें क्या होता था कि लोग बोली लगाते थे और उसकी वजह से वो जो रेट होती थी उसकी बढ़ जाती थी, और जितने भी ट्रेडर्स होते थे उन सबकी क्या होती थी, वहां पे रजिस्ट्रेशन होता था, वो रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग परचेस करते थे और किसान वहां लेके आता था, वो आके वहां के बेचता था। तो बेचने का उसके पास क्या जरिया था, सिर्फ एपीएमसी, एक मंडी में ही बेच सकता है, बाहर वो डायरेक्ट उसको नहीं बेच सकता, फर्स्ट थिंग। दूसरा वहां पे क्या होता है, एपीएमसी में कुछ शॉप्स होती है, कुछ दुकानें होती हैं जिन जहां पे वो अपने माल को खरीदा बेच सकता है, कौन, ट्रेडर्स भी और जो फार्मर है वो भी। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या होता है, इसमें कमीशन एजेंट्स होते हैं, कमीशन एजेंट्स जिनको आप आढ़तिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एपीएमसी एक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि जो कमीशन एजेंट थे वो वहां पे थे, वो आपके लिए क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कमीशन लेके आपके माल को बेहतर तरीके से ज्यादा रेट दिलवाने की ट्राई करते थे और उसको बेचते थे। चौथा तरीका था कि इसमें जितनी भी प्रोसेस था उसकी रिकॉर्डिंग की जाती थी। सबसे अच्छी बात है कि सब रिकॉर्डिंग हो ताकि उनका जो फार्मर्स का एक्सप्लोइटेशन हो वो सबसे कम हो और एक्चुअल में खत्म किया जा सके, हर चीज ट्रांसपेरेंट हो सके, और ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस था। और इसके बाद जो प्रोड्यूस जो करता था उसको सिर्फ एमएसपी पे ही परचेस किया जा सकता है, इसके अलावा आप परचेस नहीं कर सकते। अब देखिए, जब इतना सब कुछ अच्छा था तो इसमें गलतियां क्या थी ये भी तो आप समझेंगे ना, इसकी प्रॉब्लम्स भी तो होंगी। जी हाँ, इसकी प्रॉब्लम भी थी, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर जो प्राइस थे वो बढ़ते जाते थे। कैसे बढ़ते जाते थे? उसके अंदर जब आप लेके आते थे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती थी, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको लेके आना है तो जो फार्मर प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा, उसको लेके आएगा वहां पे, जब उसको लेके आएगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा, फार्मर बेयर करेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, उसके बाद जब वो होता है तो वहां पे एक टैक्स लगता है। अब वो टैक्सेस क्या होते थे कि वो टैक्स क्या होते हैं कि जो मार्केट की फीस बोला जाता है, जैसे
अब मार्केट फीस ये होती है जिससे कि वही भी आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे बेच रहे हैं, हम आपको मार्केट की जगह दे रहे हैं, तो ये आपके लिए एक मार्केट फीस होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। अलग अलग जगह अलग अलग है, नॉर्मली वो 3% से 4% के बीच में होती है। दूसरा इसमें क्या होती है, रूरल डेवलपमेंट की फीस होती है जो भी अराउंड 3% होती है। तीसरा आप जो देते हो कमीशन एजेंट को देते हो, जिसको आप आढ़तिया बोलते, आढ़तिया का कमीशन होता है वो लगभग लगभग 2.5% होता है। मिला के ये आपके हो गया 3 + 3 + 2.5 अराउंड 8.5, यानी 8.5 तो आपने वहां दे दिया। अगर 2 to 3% या 4% अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन का दे दिया, तो लिटरली जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आपको मिल रहा है, उसका जो रेट का परसेंटेज है लगभग 12 to 13%, और मैक्सिमम लगभग 15% जो होता है वो आपके ऑलरेडी जा चुका है। ये आपके खर्चों में शामिल नहीं है, बट आप जो आपको मिल रहा है उसी में आपको देना पड़ेगा। अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा कि रेट जो होती है वो बढ़ जाएगी, वो दूसरी जगह जाएगा जहां वो परचेस करेंगे। उसके बाद अब आपको जो किसान वहां पे लेके आएगा वो उसको जब तुलवाएगा तो उसकी भी उसको फीस देनी पड़ेगी। वो फीस भी कौन देगा, किसान ही देगा। अब वो फीस देगा, उसके बाद उसके तुलना होगा, वो पर्टिकुलर क्वालिटी कौन डिसाइड करेगा, वहां पे एक इंस्पेक्टर बैठा होगा, वो क्वालिटी डिसाइड करेगा, वो कहेगा इतने में देना है, अगर आपको लगता है कि आप बेचना चाहते हैं तो बेचिए, नहीं तो मत बेचिए, आपका लॉस है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको उससे आप बहस करें या उसको आप और कहीं बेच सकें, नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही जगह है जहां पे आपको बेचना है। देखिए एपीएमसी एक्ट की अच्छाइयां भी है और बुराइयां भी मैं साथ साथ बता दे रहा हूँ। इसके अलावा क्या होता है, इसमें कुछ कार्टेल्स होते हैं। अब कार्टेल्स क्या होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग होते हैं जो मिल के डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी रेट क्या हो। अब वो कहते हैं उनके लिए किसान का हित अहित कोई मतलब नहीं रखता, उनका कमीशन उनके उनके उनको जो फायदा हो रहा है वही करेंगे। अब उससे क्या होता है कि वो कुछ पर्टिकुलर लोग जो उस मंडी के अंदर बैठे हैं वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि इस चीज का प्राइस इतना होना चाहिए। अब उससे किसान को भले ही 2 रुपए मिल रहे हो, जिस चीज को वो मार्केट में 20 रुपए में बेच रहे हैं, वो किसान को 2 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वो डिसाइड करते थे। अब किसान के पास ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सारों ने मिलकर डिसाइड कर दिया। इसको इसको आप बोलते हैं कार्टेल्स या कार्टेलाइजेशन, इस प्रोसेस को कार्टेलाइजेशन बोलते हैं, और एक जो ये लोग करते हैं इनको बोलते हैं कार्टेल्स। अब कार्टेल्स क्या करते हैं कि मिलके डिसाइड कर लेते हैं हम ऐसे ही बेचेंगे, इस तरीके से ही खरीदेंगे, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता। तीसरी चीज जो होती है वो होता है फार्मर्स के लिए कमीशन। इतना आप कमीशन दे रहे हो, 10 से 15% तक तो आपको कमीशन देना पड़ता है, टैक्सेस देने पड़ते हैं। जब इतने सारे आप टैक्स दोगे तो आपके हाथ में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। आप अगली फसल की अगर प्रोड्यूस करनी है आपको, तो आपके लिए क्या है, जो आप बीज भी परचेस करने हैं, आपको अलग अलग चीजें भी करनी है, और वो करने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो ये सारा प्रॉब्लम कौन बेयर करता है, किसान। सबसे अंत में इन सबको चलाता कौन है, आपने कभी सोचा है कि जो किसानों के लिए बनी एपीएमसी हैं उनको चलाता कौन है, किसान जी नहीं। ये वो लोग होते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं, या फिर वो समृद्ध किसान होते हैं जो जिनको इनकी जरूरत नहीं थी वो इन्हीं से परचेज करते हैं और फिर हाई रेट पे बेचते हैं। अब वो ही बोर्ड के अध्यक्ष बन जाते हैं। अब वो बाहर के व्यक्ति भी हो सकते हैं और किसान भी हो सकते हैं। देखिए बहुत कम गवर्नमेंट है जो इस तरीके के प्रोसेस करते हैं जिनमें वो किसान ही हो। योगी गवर्नमेंट ने अभी किया है उत्तर प्रदेश में कि किसान ही किसान बोर्ड का अध्यक्ष बनेगा, वो एपीएमसी बोर्ड का अध्यक्ष बनेगा, बट ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, ऐसा बहुत कम, क्योंकि इसमें राजनीति जुड़ी हुई है। हर दल के चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसका उसके बड़े नेता इसमें जुड़े हुए हैं और वो कमीशन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और वो ही इसी इसको कार्टलाइजेशन कर रहे हैं जिसके थ्रू ये सब कुछ हो रहा है। अब इसमें रिफॉर्म्स भी लाए गए थे, इसमें रिफॉर्म लाए गए थे 2003 में लाए गए थे। एक मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाया गया था जो राज्यों को भेजा गया था, जिसमें राज्यों को ये बताया गया था कि आप इस तरीके से एक्ट बनाइए, एपीएमसी एक्ट बनाइए और इस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। कई राज्य हैं जहाँ पे एपीएमसी एक्ट है ही नहीं, पता है आपको, केरला में एपीएमसी एक्ट नहीं है, बिहार में एपीएमसी एक्ट नहीं है, बट वहां पे भी उनके फसल के दाम मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एपीएमसी से ही प्राइस मिलते हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि सारे मॉडल एक एक परफेक्ट नहीं होते, सारे एक्ट परफेक्ट नहीं होते। आप में आपको कुछ चेंज चाहिए होता तो आप उसको चेंज मांगिए, बट जिस तरीके से धरना दिया जा रहा है वो थोड़ा असहनीय है। बट हाँ, किसानों के मुद्दे जायज हैं, इसलिए हम किसानों के मुद्दे पर भी बात करें। अब इस एक्ट में क्या है, हम वो बात करते हैं। जो एक्ट है जिसमें फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि आप एपीएमसी से बाहर भी बेच सकते हैं। अब एपीएमसी से बाहर आप कहाँ बेच सकते हैं, देखिए एपीएमसी
एक बाध्यता लाता है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आप सिर्फ एपीएमसी मंडी में ही बेचेंगे, इसके अलावा आप कहीं नहीं बेच सकते। तो हमारे पास अगर ऑप्शन दिया जाए कि हम इस मंडी से बाहर भी बेच सकें, तो ऑब्वियसली ये बेटर ऑप्शन था। यस, किसानों को ये बेटर रेट मिल सकती थी। देखिए, खतरा हर चीज में होता है। जब भी आप कुछ नवाचार करते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये मान के रखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। कोई भी एक्ट एक आइडियल एक्ट नहीं होता, उसमें चेंजेस किए जाने चाहिए और होंगे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी ये मान रही है कि कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए और होंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि रिपील कर दो। तो हम क्या क्या था उसके अंदर वो पहले समझ लेते हैं। ट्रेड एरियाज आउटसाइड एपीएमसी जो है वो आपके क्या क्या हो सकते हैं। एक तो फार्म गेट हो सकता है, जैसे कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी कंपनी आए, वो आपको बोले कि मैं आपको यहीं पे आपकी फसल का दाम दूंगा और आप परचेज करना चाहता हूँ, यहाँ पे है कि आप उसको बेचना चाहते हैं नहीं बेचना चाहते। ऐसा प्रयोग होता है बिहार मॉडल में। जब आप एपीएमसी जहाँ पे नहीं लागू है वहां पे देखते हैं, वहां पे डायरेक्ट परचेज की जाती है। देखिए, आप जब आप इंस्टेंट कि आप किसी चीज को, जैसे 10,000 की फसल है या 1 लाख की फसल है जिसमें आपको लगभग लगभग 15,000 रुपए उनको देने हैं, इससे अच्छा आप क्या करोगे? अगर आपके पास कोई आए कि मैं आपको बिना कुछ किए 85,000 रुपए हाथों हाथ दे रहा हूँ, आपको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, तो आप क्या उसको चूज नहीं करेंगे? आप कहेंगे हाँ ठीक है, मुझे घर बैठे मिल रहे हैं, मुझे टेंशन नहीं करनी, मुझे किसी से बहस नहीं करनी, मुझे तुलवाना नहीं, मुझे क्वालिटी नहीं चेक करवानी, सारे मेरे काम वो करेगा, बस मुझे तो पैसे मिल रहेंगे। तो इसको आप बोलते हैं फार्म गेट। तो फार्म के गेट पे आके आपको मिलेगी और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या है, जिसमें आपको फैक्ट्री वाला कोई आएगा, फैक्ट्री कहेगा पहले से अनुबंध करेगा और वो आपसे कहेगा कि हमें इस चीज को परचेस करना है और आपसे, या आप इतना प्रोड्यूस करो तो हम आपको इस रेट पे परचेस करके देंगे, पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखिए, गवर्नमेंट ने इसमें ये भी प्रावधान रखा है कि अगर आपको उससे ज्यादा रेट मिल रही हो वहीं पे तो आप बेच सकते हैं, लेकिन उससे कम अगर मिल रही हो, सपोज कि मार्केट रेट कम हो जाए, तो वो आपको आप बाध्य नहीं है उसके लेने के लिए, उल्टे वो बाध्य है कि वो आपको उसके उसकी रेट देनी पड़ेगी। कितना अच्छा प्रावधान था। लेकिन इस एक्ट में ये अच्छी चीजों को भी इस विरोध के नाम पे उन्होंने भुला दिया है। चलिए, तीसरी बात करते हैं, वेयर हाउसेस को आप बेच सकते हैं, वेयर हाउसेस में स्टोर कर सकते हैं, जब उसकी रेट बढ़ जाए तब आप उसको आप दे सकते हैं, या वेयर हाउसेस में डायरेक्ट आप बेच सकते हैं ताकि वहां पे रहे कुछ समय तक, और फिर उसके बाद जब आप उसको बेचना चाहे तो आप बेच सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास। फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या, आउटसाइड एपीएमसी, क्या आप कोल्ड स्टोरेज को दे दीजिए। कोल्ड स्टोरेज में आपका जो चार्जेज होगा वो लगेगा, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज कौन बनाएगा? गवर्नमेंट थोड़ी ना बनाएगी इतना। आप सोचते हैं कि पूरे इंडिया में कोल्ड स्टोरेज से गवर्नमेंट ही बनाएगी? जी नहीं, गवर्नमेंट नहीं बना सकती। लिटरली इतना ज्यादा खर्चा है गवर्नमेंट का, इतना पैसा ही नहीं है कि वो पूरे इंडिया में कोल्ड स्टोरेज बना सके। तो कोल्ड स्टोरेज बनाने की फैसिलिटी जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास। अब आप तो कहते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को हम चाहिए नहीं, आपको, आप तो उनका विरोध कर रहे हैं। आपके पंजाब के अंदर तो उन्होंने जियो के जो टावर है वो तोड़ दिए कि अंबानी अदानी के ले रहे हैं ये सारी जमीन। अरे, अंबानी अदानी थोड़ी लेंगे, उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो आपकी फसल को परचेस करना चाहेंगे, लेकिन आपको तो परचेस नहीं करवानी, क्योंकि ये बीच के लोग जो आपके आढ़ती बने हुए हैं या जो दूसरे हैं बड़े किसान, वो चाहते हैं कि आप अपने आपके आपको अपनी फसल का उचित मूल्य ना मिले, इसलिए आपको भड़काया जा रहा है। और लास्ट जो है, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट का क्या बेनिफिट रहेगा कि आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको उसकी बहुत अच्छी रेट मिलेगी। सपोज कि आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू कोई चीज प्रोड्यूस की है और यूरोपियन मार्केट में उसकी एक्चुअल में वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट परचेज उसको सेंड कर सकते हैं वहां पे। आपको एपीएमसी की जरूरत नहीं है उसके लिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना है उसके लिए, आप डायरेक्ट सेंड कीजिए, आप नेगोशिएट करें प्राइस और जो आपको सही लगे। देखिए, आधुनिक युग में जब इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जब 4G का टाइम है, जब एक ऐप के थ्रू आप कुछ भी परचेस करते हैं, लिटरली आज के दिन आपको अगर कार भी परचेस करनी हो तो हुंडई और बहुत सी कार मैन्युफैक्चरर्स खुद आपको प्रोविजन दे रहे हैं, आपको अपनी कार वो पूरी पीडीआई करके आपको घर पे मिलेगी। बट आप ये सब चीजें एग्रीकल्चर में नहीं लाना चाहते, आप कहते नहीं एग्रीकल्चर में ये सब चीजें, मतलब एग्रीकल्चर में कोई भी किसान को उसकी उसकी जो उपज है उसका सही मूल्य ना मिले। लेकिन हम तो राजनीति करेंगे, सिर्फ राजनीति की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। साथ में यहाँ पे मैं स्लाइड भी बता रहा हूँ जिसमें आपको ये सब जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आपको किसी को समझाना है तो आप समझा भी सकते हैं। अब इसके अलावा क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एपीएमसी एक्ट जो होती है वो पर्टिकुलर जगह पे होती है, वो कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप नहीं बेच सकते। हर स्टेट की अपनी एपीएमसी एक्ट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो चलता है, वो एमएसपी डिसाइड करता है। ध्यान रखिए, संविधान ने जो एग्रीकल्चर है उसको स्टेट लिस्ट में रखा है, ना कि यूनियन लिस्ट में।
हाँ, कंकरेंट लिस्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसके थ्रू आप इसमें कुछ रूल्स बना सकते हैं, और इसी रूल्स की वजह से आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल बनाए हैं। हम इस पे भी एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाएंगे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन था या नहीं था, बट आज हम सिर्फ एपीएमसी एक्ट के जो नए एक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे अच्छी बात जो है अभी जो इसमें चेंजेस आए हैं वो है कि अब आप इंट्रास्टेट एज वेल एज इंटरस्टेट भी इसको आप सेंड कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अब आपको किसी को बेचना है, आपको कहीं, आपको जैसे आप गोवा में बैठे हैं और आपने कुछ प्रोड्यूस किया है, अगर उसकी प्राइस आपको पंजाब में बेटर मिल रहे हैं तो आप पंजाब में बेच सकते हैं। ऐसे पंजाब के फार्मर को अगर किसी चीज का, किसी पर्टिकुलर उपज का दाम अगर महाराष्ट्र में अच्छा मिल रहा है, या फिर उसको अगर बेचना है कि वो चाहता है कि उसको देश के किसी राज्य से पूर्वोत्तर राज्यों में उसकी रेट बहुत अच्छी मिल रही है, तो वो सेल कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चा आएगा वो कैलकुलेट करके उसकी वो देख लेके उसकी रेट अगर उसको सही लग रही है तो वो सेंड कर सकता है। तो ये सेलिंग का जो पावर है ये किसके पास रहेगा? फार्मर्स के पास, न कि किसी और के पास। और उसको जो प्राइस मिलेगा वो भी ऑनलाइन पे किया जा सकता है, तो सबसे अच्छी चीज है ये। तो थर्ड जो चीज है वो है ऑनलाइन ट्रेडिंग। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप ऑनलाइन ले जाते हैं तो हो सकता है उसके आपको रेट ज्यादा मिले। अब आप देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जो चीज 20 रुपए किलो में आपके 15 रुपए किलो या 10 रुपए किलो में शायद कश्मीर से आती है, सेब की बात कर रहा हूँ मैं, अब वो आपको राजस्थान के कोने में 100 रुपए किलो मिलती है, राजस्थान के दूसरे कोने में 80 रुपए किलो मिलती है, तीसरे कोने में 70 रुपए किलो मिलती है, यानी 70 रुपए किलो उसकी प्राइस है। अगर आप उसमें से 20 किलो हटा दीजिए, जो चार पांच जो बीच के कमीशन एजेंट्स हटा दीजिए, तो आपको किसान को उसी चीज का जिसके वो 10 रुपए मिल रहे थे उसको 30 रुपए भी मिल सकते हैं, 40 भी मिल सकते हैं, 50 भी मिल सकते हैं, मार्केट रेट के हिसाब से। ध्यान रखिए, मार्केट रेट अगर ज्यादा है तो उसको ज्यादा मिलेगी, मार्केट रेट कम है तो कम मिलेगी, यानी किसान को ये ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। ये कब होगा? जब ये एपीएमसी एक्ट जो नया वाला था, जो जिसमें आपको बेहतर फैसिलिटी मिल रही थी, जब आप कहीं भी बेच सकते हो आउटसाइड एपीएमसी, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चौथी चीज है कि आपको कोई भी स्टेट टैक्सेस नहीं देने पड़े। देखिए, सबसे अच्छी बात है, वहां के जब मंडी में आप बेचते हो तब आपको वो 38% का कमीशन देना पड़ता है, आपको मंडी का भी जो टैक्स होता है वो भी देना पड़ता है, रूरल डेवलपमेंट टैक्स भी लगाए जाते हैं। इस सारे टैक्स जो 10 से 12% होते हैं सारे हट जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन किया था कि ये सारे टैक्स हट जाएंगे, इसके इसको डायरेक्ट डायरेक्ट आपको सेल करना है, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं। तो जो भी आपको प्राइस मिलेगा जो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट आपके पास ही रहेगा, ना कि किसी और के पास। तो किसी और के पास पावर नहीं है कि वो आपको मैनिपुलेट कर सके, सबसे अच्छी चीज है इसकी। और इसके बाद क्या है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, सबसे कंट्रोवर्सी यही है अभी। देखिए, इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब आप डिस्प्यूट को करते हो तो डिस्प्यूट सबसे ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आपको लगता है कि जिसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था या जो प्राइस थे वो आपको सही नहीं मिल रहे, तो आप क्या कर सकते हो? गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है कि आप एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम कोर्ट बनेगा। एसडीएम क्या करेगा? पहले आप दोनों पार्टियों से पूछेगा, फिर क्या करेगा कि जब एसडीएम के पास अब ये मामला चला जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट सेटलमेंट में पहले तो कंसिलिएशन बोर्ड बनाया जाएगा। अब कंसिलिएशन बोर्ड में क्या होगा कि दोनों की तरफ के मेंबर होंगे और एसडीएम भी होगा वहां पे, और बराबर बराबर मेंबर होंगे दोनों पार्टीज के, और फिर वो आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या है, और उस पर अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर उसको आप कहीं पे भी लीगली चैलेंज नहीं कर सकते। इसके बाद अगर फिर अगर वो साइन नहीं होता है, डिस्प्यूट सेटल नहीं होता है, तो क्या होता है कि वो एसडीएम अपने लेवल पे दोनों पक्षों का बातें सुन बात सुनने के बाद एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू अपना डिसीजन लेगा, और फिर वो उन्हें दोनों को बताएगा। अब अभी भी वो एग्री नहीं है, देखिए अब भी वो एग्री नहीं है, तो वो डीएम के पास जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जिसको कलेक्टर बोला जाता है, जा सकते हैं। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, सिविल कोर्ट की जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जो टाइम बर्बाद होता है उसको कम करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया था, जिसमें आप कम समय में जल्दी से जल्दी एक न्याय की उम्मीद कर सकते थे। बट लोगों को इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है आप सिविल कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट जाने के लिए प्रोसेस क्या होगा कि आपको वकील करना पड़ेगा, वकील करेंगे, और कोर्ट में आपको भी बताया कि कोई भी सेटलमेंट जो होता है कितने लंबे समय तक चलता है, और फिर वो वापस वो का वो प्रोसेस है। जब आप छोटे कोर्ट में आपका मामला नहीं सुलझेगा तो आपको बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे जो टाइम जो मनी आप स्पेंड करेंगे उस पे, उससे बचा जा सकता था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। चलिए कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने बोला इस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो उसको सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, गवर्नमेंट इस पे भी मानने को तैयार है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने मंडियां बंद नहीं किया, ऑब्वियसली मंडियां बंद नहीं हुई, मंडियां चल रही है।
अगर आप मंडी में बेचना चाहते हैं अच्छी बात है, आप मंडी में नहीं बेचना चाहते तब भी अच्छी बात है, गवर्नमेंट कह रही है नहीं। लेकिन स्टेट टैक्स का प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट को अपना टैक्स नहीं मिलेगा जिसमें मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये सब सारी चीजें अच्छी अच्छी है। देखो इसमें क्या हो रहा था, किसान को उसकी प्रोड्यूस मिल रहा था, प्रोड्यूस का जो रेट था वो सही मिल रहा था, एक इनोवेशन हो रहा था जो आप ऑनलाइन भी ट्रेड कर सकते हैं। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम जैसे मैं आपको एक हमारे बाड़मेर एरिया की बात करता हूँ। बाड़मेर एरिया में एक समय था जहाँ जब कुछ भी होता नहीं था, बहुत रेयर फसलें होती थी, बहुत छोटी छोटी फसलें होती थी। आज बाड़मेर के अंदर आपको खजूर भी मिल रही है, आज बाड़मेर के अंदर अंजीर भी पैदा हो रही है, और आज बाड़मेर के अंदर सबसे अच्छी चीज है अनार भी पैदा हो रहे हैं। आप सोच सकते हैं बाड़मेर में सिंदूरी अनार बहुत मशहूर है। अब वो सिंदूरी अनार क्या आपको क्या लगता है सीधे मार्केट में जाते हैं, एपीएमसी में जाते हैं? जी, क्योंकि फल और ये जो होते हैं ये एपीएमसी के पार्ट नहीं है। तो क्या कर रहे हैं किसान, किसान क्या ट्रेडर्स को बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे। किसान क्या कर रहे हैं कि वो अपना जो प्रोड्यूस होता है वो क्या करते हैं, गाड़ियों में भर के लाते हैं। जैसे उनके पास कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा उसमें लेके आते हैं, शहर के बीच में कहीं पे भी रोड पे एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ वो खड़े हो जाते हैं, और उनको जो रेट सही लगता है वो उस पर बेच देते हैं। और उस आप मान के रखिए कि लिटरली वो मार्केट रेट पर ही बेचते हैं, और मार्केट से अगर वो आधा भी बेच रहे हैं तब भी उनको जितना रेट मिल रहा था, देखिए मैं पहले बात कर रहा था 10 रुपये मिल रहा है किसान को, 50 रुपये में बेच रहे हैं, तो लिटरली उसको जो रेट थी वो 20% ही मिल रहा था। अब अगर वो उसको 30 रुपये में बेचे, मार्केट रेट तो 50 है, 30 रुपये में बेचे तब भी उसको 20 रुपये का अभी बेनिफिट हो रहा है, यानी वो लिटरली बहुत ज्यादा उसको अर्निंग हो जाएगी, ना कि इस प्रोसेस से जिसमें आप बाउंड हो जाते हैं। तो अब इसमें अच्छा प्रोसेस था, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने कही, इसमें इनोवेशन भी हो रहा है, लोग इनोवेट हो जाएंगे। ऐप के थ्रू आप क्यों नहीं बेच सकते, अगर वन नेशन वन मार्केट हो जाए, जो नाम का जो प्रोसेस है वो क्या है, वन नेशन वन मार्केट। अगर आप किसी चीज को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, जैसे अमेजोन पे आप ये सोचे हैं कि कम कश्मीर का किसान है वो अपना सेब बेचना चाहता है तो क्यों नहीं बेच सकता, या वो अगर गेहूं बेचना चाहता है तो क्यों नहीं बेच सकता, ऑब्वियसली उसको ये हक मिलना चाहिए फ्लिपकार्ट पे वो बेच सके। हम हर बात में जो नया इनोवेशन होता है, न्यू नवाचार होता है, इसका विरोध क्यों करते हैं आप ये बताइए। आज हम सब कुछ ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो क्यों ना ये भी ऑनलाइन परचेज करने की फैसिलिटी दी जाए, ये सबको फायदा होगा, इसमें ट्रेडर्स को भी फायदा होगा जो इतना कमीशन दे रहे हैं। आप सोचिए कि ये सिर्फ किसानों को एक्सप्लोइट नहीं करते हैं, ये जो बीच के लोग होते हैं, ये एक्चुअल में जो दूसरे ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उनको भी तो उतना ही एक्सप्लोइटेशन झेलना पड़ता है, उनको भी जो उसका वेट होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अगर आपको लाल मिर्च परचेस करनी है, ठीक है, आप वहां पे जाइए मंडी में, अब आप भले ही बाहर से वो लेके आएगा लेकिन वो क्या करेगा कि मंडी में मंडी के बाहर से तुलवाएगा, फिर आपको उसका कमीशन देना पड़ेगा, जो पर रेट जो पर केजी का जो कमीशन है वो उसको आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो मंडी के भले ही बाहर हो लेकिन उसकी शॉप मंडी में है, वो आपको मंडी का बिल काट के दे देगा। और ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हवा में कुछ बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअल एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ के कुछ व्यापारियों से बात करने के बाद पता चला था कि उनको तो उसका ज्यादा ही रेट देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि वो उसका बेनिफिट मिल रहा है उनको, उनके लिए उसने तो वहां से डायरेक्ट किसानों से परचेस किया था, अब वो क्या कर रहा, किसानों से परचेस किया और उसके बाद उसने बेच दिया, उसने यहाँ पे बाहर पे आके बाहर ही बेच दिया, लेकिन उसकी शॉप है इसलिए उसने क्या कर दिया, उसका भी कमीशन डाल दिया कि इसकी रेट का जो होता है क्विंटल जो वेटेज का होता है चार्जेस होते हैं वो भी उसने ले लिया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये किसानों के साथ ही एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, ये जो ट्रेडर्स है उनके साथ भी उतना एक्सप्लोइटेशन हो रहा है जो डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं उस मंडियों से, तो एक्सप्लोइटेशन दोनों तरफ से हो रहा है। अब इस एक्सप्लोइटेशन को रोकने के लिए क्या है, मार्केट को ओपन कर दिया जाए। हाँ, ओपन मार्केट की कुछ लिमिटेशन है, इसकी डीमेरिट्स भी हैं। सबसे बड़ी डीमेरिट क्या है कि इस चीज से एक्सप्लोइटेशन वापस ज्यादा हो सकता है। अगेन जहां पे ओपन मार्केट होगा तो आप ये सोचिए कि जैसे फ्रॉड भी आ सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पैन रजिस्ट्रेशन के थ्रू कोई भी परचेस कर सकता है, अब उस हो सकता है कि वो धोखा दे जाए। इसमें एक उनको सिक्योरिटी मिलती थी कि चलो उनको एक मंडी थी जो जिसमें जाने पहचाने लोग होते थे, उसमें ऐसा नहीं होगा। बट गवर्नमेंट इसके लिए कर सकती है कि जो भी वहां पे इस तरीके से सेल आउट करना चाहे वो रजिस्ट्रेशन कर दे, उसके लिए ऐप बना दी जाए, तो ऐसे सुझाव तो लिए जा सकते हैं ना, लेकिन इसके लिए वो पूरा रिपील करने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन जिस तरीके से इस चीज में राजनीति हो रही है, अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसा राजनीति जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ दो तीन जो स्टेट है उन्हीं के किसानों के ज्यादा क्यों कर रहे हैं, बाकी किसान इतने ज्यादा इन्वॉल्व क्यों नहीं। अब हो रहा है कि अब तो ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, अब सभी को सभी राजनीतिक पार्टियों को इसमें अपना स्वार्थ दिख रहा है,
अब जैसे कल ही आप मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो तेलंगाना के जो आपके तेलंगाना के जो सीएम है उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे हम इस पे नहीं परचेस करेंगे, एमएसपी पे हम क्यों परचेस करें, हम तो इसमें लागू नहीं होते, हम ये परचेज नहीं करना चाहते। वो एपीएमसी के बाहर जाके भी किसानों को ऑप्शन दे रहे हैं। यानी आप वहां पे आप ये कि ये लोग जब आपके सेंट्रल में होती है मिनिस्टर में लेवल पे बात होती है तो उसका विरोध करते हैं, ऐसे कैसे कुछ पार्टी के लोग जो पहले इसका विरोध पक्ष में थे वो आज विरोध कर रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक्ट इस तरीके की जो सुविधाएं हैं ये कई राज्यों में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं आपको दूंगा वो दूंगा महाराष्ट्र का। आश्चर्य होता है ना आपको, देखिए महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख की सरकार ने इसे लागू किया था। और विलासराव देशमुख कौन थे, कांग्रेस के सीएम थे। उन्होंने लागू क्यों किया था, कि उन्होंने कहा था कि ये इस तरीके के एक्ट से फायदा होगा। वहां पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया उसका मैं कुछ मैंने नेट से विवरण लिया है तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट है कि जो महाराष्ट्र मॉडल है उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि ऐसे कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स जिनको इस तरीके की मार्केट ओपन करने हैं, मंडी बनानी है तो कर सकते हैं, बस उनके पास 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए और लाइसेंस होगा उनका। एनुअल जो उनका रिन्यूअल होगा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का वो एनुअल होगा और एवरी ईयर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद दे कैन ऑपरेट। अब वहां से कोई भी परचेज कर सकता है, ट्रेडर्स हो सकते हैं वहां पे कर सकते हैं, सिमिलर लाइक एपीएमसी, बट वहां पे जो स्टेट के ये जो टैक्सेस होते हैं ये नहीं होंगे, पूरी तरीके से नहीं होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास अपनी मंडियां थी जिसमें वो परचेज कर सकते थे। ऐसी 18 मंडियां हैं वहां पे, कहाँ पे, महाराष्ट्र में अभी जो इन्फॉर्मेशन है। दूसरा उन्होंने कहा डीएमएल जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केट लाइसेंसिंग। अब डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस में क्या होगा कि कुछ ट्रेडर्स जो डायरेक्ट किसानों से परचेस करना चाहते हैं उनको ये मिल गया, और वो डायरेक्ट किसानों से ही परचेस करने जाते हैं, वो क्या करते हैं किसानों के कुछ समूह होते हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जाके वो ये परचेस कर लेंगे, इसको बोलते हैं डीएमएल। ऐसे 1100 समूह अभी भी महाराष्ट्र में चल रहे हैं। अब कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे एपीएमसी के थ्रू जो परचेस किया गया या बेचा गया टोटल, वो पिछले 2-3 सालों का आंकड़े हैं ये, तो लगभग 48,000 करोड़। और ये इस तरीके के जो जो प्राइवेट मार्केट और डायरेक्ट डीएमएल के थ्रू जो बेचा गया वो था 11,000 करोड़। यानी दोनों मार्केट को एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो सफलतापूर्वक हो रहे हैं। इसलिए आपने देखा महाराष्ट्र के किसान बहुत कम लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों के किसान अभी विरोध कर रहे हैं। दूसरा मॉडल आपके पास मिलेगा बिहार का मॉडल। बिहार में जो इसको एपीएमसी को 2006 में ही रिपील कर दिया गया क्योंकि बहुत से टैक्सेस थे, किसानों को उनकी बेनिफिट नहीं मिले। देखिए ये जो एपीएमसी और जो एमएसपी है इसके जो मेन फायदे लेने वाले मुख्य फायदा जिनको मिलता है वो लगभग 6 से 7% है, लेकिन 94% 90% से ज्यादा किसानों को अभी भी उनका एमएसपी पे प्राइस नहीं मिलता है। किसी को ज्यादा मिलता है किसी को कम मिलता है। तो इसमें कुछ इनोवेशन की रिक्वायरमेंट थी और जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है वो सिर्फ 15 राज्यों ने ही अभी तक इम्प्लीमेंट किया है प्रॉपरली, बाकी सभी उसी पुराने तरीके से चल रहे हैं जिसकी वजह से नवाचार की कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि हम उस नवाचार की तरफ जाएं ना कि उस पुराने तरीकों की तरफ जिससे ही सारा लॉस हो रहे थे। अब इसमें बिहार का मॉडल था उसमें भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने एपीएमसी हटा दिया और ये हो गया। अब सबसे अच्छी बात जिस केरला केरला के आप देखिए जितने भी वामपंथी संगठन है ये विरोध कर रहे हैं, कहाँ पे, दिल्ली बॉर्डर पे। आप इनके कई भी बॉर्डर पे कई इनके झंडे देखेंगे, कई लोग इनके बातें बातें करेंगे, वहां के जो बीच में बात करने वाले लोग हैं वो भी कौन है, ज्यादातर वामपंथी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन वामपंथी संगठनों का सबसे बड़ा राज्य स्टेट जहाँ पे वो मतलब पावर में लंबे समय तक रहे हैं केरला, वहां पे एपीएमसी एक्ट नहीं है। वहां फलों सब्जियों को भी हटा दिया गया है। इवन दिल्ली में फलों सब्जियों को एपीएमसी एक्ट में शामिल नहीं किया गया, उसके लिए दूसरे तरीके की व्यवस्था की गई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी व्यवस्था के थ्रू ही चला जा सकता है, हमें एक समानांतर व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और जब समानांतर व्यवस्था बनानी पड़ेगी तो इस प्रकार के कानून पे आप बहस कर सकते हैं, इस कानून की आप वैधता पे बात करेंगे वो गलत है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि किसान जो कमा रहा है वो बहुत कम है और उसको उसकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। तो मेरा तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि वो आए बात करें गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट में उनको जो प्रॉब्लम लगता है उसके मैं गवर्नमेंट भी खुले दिल से उनकी बात सुने, उनको समझाए और किस तरीके से, 1 साल तो लगने दीजिए, कम से कम 1 साल इम्प्लीमेंट होने दीजिए। आपको एमएसपी मिला है, अभी सितंबर में लागू होने के बाद भी एमएसपी मिला है, तो आपको ये मानना होगा कि आपको आपकी रेट मिल रही है। तो बेहतर ये होगा कि आप खुले दिल से इसका स्वागत करें
और अगर इसमें कुछ कमी आए सरकार को बताइए, सरकार दूर करेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे इस तरीके की और वीडियो बनाने में हेल्प हो। सबसे अगली कड़ी में मैं आपको इसके दूसरे एक्ट के बारे में बताऊंगा। इसमें 3 एक्ट थे, मैं दूसरे एक्ट के बारे में बताऊंगा और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बताऊंगा कि जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं है। धन्यवाद।